सर दर्द की बीमारी एक काफ़ी कॉमन बीमारी है, काफ़ी लोग इससे परेशान होते हैं। जब कभी लोगों को सर दर्द होता है, लोग पूछते हैं सर सर दर्द के लिए क्या करें, क्या खाना अच्छा है, क्या खाना बुरा है, क्या करना अच्छा है, क्या करना बुरा है। आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे, अगर किसी को हेडेक का प्रॉब्लम है तो क्या उसके लिए खाना अच्छा है, क्या खाना उसके लिए बुरा है, यानी कि हेडेक पेशेंट के लिए वर्स्ट फूड्स क्या हैं जो हेडेक को ट्रिगर कर सकते हैं, और बेस्ट फूड्स क्या हैं जो हेडेक को कम कर सकते हैं, जो हेडेक वाले पेशेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेडेक काफ़ी ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और काफ़ी लोग इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं। ज़्यादातर लोग मेडिसिन के बारे में ज़रूर बात करते हैं, क्या करना है उस बारे में ज़रूर बात करते हैं, लेकिन फूड के बारे में बहुत कम ही लोग डिस्कशन करते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और आपका सपोर्ट हमारे लिए कंटिन्यू करने के लिए चैनल को बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें खराब है हेडेक के पेशेंट के लिए। सबसे पहले देखिए, प्रोसेस्ड फूड्स हमेशा ही माना जाता है कि जो चीज़ों को ज़्यादा प्रोसेस किया गया है, यानी कि जिनमें ज़्यादा रिफाइंड मटेरियल्स है, जैसे जिसमें शुगर ज़्यादा है, नमक ज़्यादा है और इसमें अनहेल्दी फैट्स है, ये सारी चीज़ें बॉडी को हेडेक को ट्रिगर करती है, क्योंकि बॉडी को एक तरह से डिहाइड्रेट करती है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करती है। जिस तरह के कोई डिब्बे में पैक फूड्स हम पर लेते हैं, फ्रोजन फूड्स लेते हैं, या कोई स्नैक्स है जो पहले से पैकेज होके आते हैं, ये चीज़ें हमेशा हार्ट पेशेंट्स के लिए या ओवरऑल हेडेक पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। ओवरऑल हार्ट बीमारी के लिए ये फूड्स को बुरा ही माना जाता है, उसी तरह से हेडेक के लिए भी अच्छी चीज़ें नहीं हैं। इसके अलावा अल्कोहल, अल्कोहल ट्रिगर करता है काफ़ी कॉमनली हेडेक को। अल्कोहल ब्रेन की नसों को डायलेट करता है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी बार हेडेक होता है। तो अगर हेडेक आपको का प्रॉब्लम है, सरदर्द का प्रॉब्लम है, अलग अलग तरह का सरदर्द है, तो आपको अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। इसी तरह से चाय का भी है, ये कैफीन का भी है। हालांकि देखिए, काफ़ी लोग जब सरदर्द होता है तो लोग ये सबसे पहले चाय ही पीते हैं, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि चाय का जो कैफीन कंटेंट है आपकी कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करेगा, हेडेक को कम करेगा। लेकिन ज़्यादा मात्रा में हेडेक के लिए भी या अदरवाइज भी अगर आप कैफीन लेते हो तो बॉडी को डिहाइड्रेशन करता है, और जब कभी भी आपको चाय नहीं मिलती है तो विड्रॉल के टाइम आपको हेडेक होता है। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि सुबह के आपकी चाय अगर मिस हो जाती है तो उसके बाद आपको विड्रॉल या रिबाउंड हेडेक होता है और आप नॉर्मल से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको हेडेक का प्रॉब्लम है तो एज फार एज़ पॉसिबल कैफीन को अवॉइड कीजिए, आदत ही मत डालिए ताकि उसका विड्रॉल का रिलेटेड हेडेक नहीं हो, क्योंकि महीने में 2-4 बार आपको इस तरह से हो जाएगा कि चाय मिस हो गई और हेडेक चालू हो गया। इसके अलावा चीज़ जो कि थोड़ा पुराना है या थोड़ा एज चीज़ है, उसमें टायरामिन कंटेंट होता है जो कि हेडेक को ट्रिगर कर सकता है कुछ लोगों में। नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स कॉमन प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि प्रोसेस मीट्स में काफ़ी बार यूज़ होते हैं, ये कई बार हेडेक ट्रिगर कर सकते हैं। बहुत अलग अलग तरह के प्रोसेस मीट्स जो रहते हैं उसमें ये प्रिजर्वेटिव्स की तरह से यूज़ किया जाता है, तो ये कई बार हेडेक कर सकता है। तो बाहर का मीट या प्रिजर्व मीट ना लें अगर आपको हेडेक का प्रॉब्लम है। इसके अलावा मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये एक फ्लेवर एनहांसर है जो कि काफ़ी चाइनीज प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। काफ़ी लोगों का ये एक्सपीरियंस है कि जिनको माइग्रेन का प्रॉब्लम वगैरह रहता है, अगर वो चाइनीज़ फूड ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उनको हेडेक्स हो जाते हैं। तो अगर आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है या हेडेक्स का प्रॉब्लम है, तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक सब्सटेंस है जो कि चाइनीज़ फूड में यूज़ करते हैं, वो हेडेक्स करता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो कि चाय या जूस में या चीनी के बदले यूज़ किए जाते हैं, सैक्रीन है या अस्पार्टे में, ये सारी चीज़ें मिठाई में शुगर के बदले यूज़ किया जाता है कैलोरी कम करने के लिए, लेकिन हेडेक वाले पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि हेडेक इनसे ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा टायरामीन अगर आप डायरेक्टली लेते हैं, जैसे कि फिश में होता है, सोया प्रोडक्ट्स में होता है, कुछ मीट में भी होता है, ये टायरामीन का जो कंटेंट है वो जो भी चीज़ में आपके बॉडी में जाता है आपको हेडेक कर सकता है। एक चीज़ में भी हमने आपको बोला था टायरामीन कंटेंट रहता है, उसी तरह और कोई भी चीज़ में अगर टायरामीन है तो वो हेडेक कर सकता है। इसी के अलावा वैसे तो डार्क चॉकलेट आपकी हेडेक को कम करता है, वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, लेकिन इसके अलावा कोई भी और तरह का मिल्क चॉकलेट वगैरह आप लेते हैं या कोई भी और तरह का चॉकलेट जिसमें कैफीन कंटेंट होता है वो अगर आप लेते हैं तो वो हेडेक को ट्रिगर कर सकता है। तो हेडेक के लिए अच्छी चीज़ें नहीं है, बुरी है, इन्हें बंद रखिए। अब बात करेंगे कौन कौन से फूड स्टफ है जो हेडेक वाले पेशेंट्स के लिए अच्छी है, जो हेडेक के चांसेस को कम करती है। पहली चीज़, कोई भी फूड स्टफ जिसमें मैग्नीशियम कंटेंट अच्छा है वो हेडेक के लिए अच्छी है, जैसे कि पालक यानी स्पिनच, आलमंड यानी बादाम, एवोकाडो और बनाना यानी केला, ये सारे फूड प्रोडक्ट्स में मैग्नीशियम कंटेंट अच्छा होता है तो हेडेक के पेशेंट्स के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा अदरक यानी जिंजर, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि हेडेक को कम करती है। इसको आप चाय कॉफ़ी के फॉर्म में या दूसरी तरह से भी ले सकते हैं, यानी कि अगर आपको सर दर्द हो तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय लेने के बदले अदरक वाली चाय ले तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा
अगर किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन है तो डेफिनेटली उसका हेडेक ट्रिगर हो सकता है। आप ज़्यादा मात्रा में अगर पानी पीते हैं तो बॉडी का डिहाइड्रेशन कम हो जाता है, तो इससे हेडेक या सर दर्द का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। आप पानी ज़्यादा पिए तो अच्छा है। इसके अलावा हरी साग सब्जी है जैसे पालक यानी स्पिनाच और केल, इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व ज़्यादा रहते हैं तो बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, तो हेडेक वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले फिश या इससे भरे हुए कैप्सूल्स अगर आप लेते हैं, फिश में सैल्मन ट्यूना और वेजिटेरियन सोर्स में फ्लैक्स सीड्स और शिया सीड्स अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो हेडेक के लिए अच्छा है, बॉडी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सर दर्द होने के चांस को कम करता है। इसके अलावा डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट में फ्लेविनॉइड्स होते हैं, ये बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इससे बॉडी का सीरोटोनिन लेवल बढ़ता है जिससे हेडेक कई बार कम हो जाता है। रेगुलर चॉकलेट नहीं लेना है, कैफिनेटेड चॉकलेट्स नहीं लेना है, डार्क चॉकलेट लेना है हेडेक वाले पेशेंट्स में। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो कि ग्रेन्स में होता है, ये ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज करता है, इससे हेडेक के पेशेंट्स को कम प्रॉब्लम्स होती है। जिनका भी सडन ब्लड शुगर अगर कम हो जाए कोई भी कारण से, जैसे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है वो सडनली शुगर बढ़ाते हैं, शुगर कम हो जाता है, तो उनको हेडेक ज़्यादा होता है। आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स अगर लेते हैं तो हेडेक के पेशेंट के लिए अच्छा है। इसके अलावा पेपरमिंट, इसका कूलिंग इफेक्ट होता है जो कि मसल्स को रिलैक्स करता है, टेंशन टाइप हेडेक्स के लिए अच्छा है। इसको चाय कॉफ़ी की तरह में भी ले सकते हैं, इसको आप कैप्सूल्स के फॉर्म में भी ले सकते हैं, इसेंशियल ऑयल की तरह से भी ले सकते हैं, अच्छी चीज़ है। इसके अलावा फीवर फ्यू करके एक हर्ब है, ये बेसिकली हेडेक को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके कैप्सूल्स भी आते हैं, चाय में भी डाल के यूज़ कर सकते हैं। फीवर फ्यू हर्ब है वो हेडेक के पेशेंट्स के लिए अच्छा है। इसी तरह से कोएंजाइम Q10 की कैप्सूल्स आते हैं, कोएंजाइम Q10 जो है माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन के लिए अच्छा है, बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, हेडेक के चांसेस को कम करता है। ये फिश में, मीट में और होल ग्रेन्स में ज़्यादा रहता है। डायरेक्टली इसके टैबलेट्स भी आते हैं, सप्लीमेंट्स भी आते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको हेडेक का प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा विटामिन B2, ये भी माइग्रेन्स के लिए अच्छा माना जाता है। अगर विटामिन B2 आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो माइग्रेन के हेडेक्स को कम करता है। ये मिल्क में यानी दूध में, अंडों में, हरी साग सब्जी में ज़्यादा रहता है, या डायरेक्टली इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं जो आप कैप्सूल फॉर्म में ले सकते हैं। इसके अलावा वाटरमेलन यानी कि तरबूज, ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छा रहता है इसमें, तो हेडेक को कम करता है, बॉडी के डिहाइड्रेशन को बेटर करता है। तो ये सारे ही फूड प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हैं तो हेडेक का चांस कंपेरेटिवली आपका कम रहता है। अगर शुरुआत में जो लिस्ट में हमने बात की वो फूड स्टफ आपको अवॉइड करने हैं, और बाद वाले जो फूड स्टफ हमने बात किए जो हेडेक के लिए, पेशेंट के लिए अच्छे हैं, वो आपको लेना है। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो कंपेरेटिवली हेडेक का ट्रिगर होने का चांस कुछ हद तक कम हो जाएगा। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग हमारे चैनल पर रेगुलर बहुत लंबे कंटेंट नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए हम यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड कर रहे हैं जिसमें सारे टॉपिक का ब्रीफ समरी हम आपको देते हैं, आप इसे देख सकते हैं, इसका एडवांटेज ले सकते हैं, फ्रेंड्स फैमिली और सोशल मीडिया ग्रुप्स में इसे शेयर कर सकते हैं। चैनल पर कंटेंट ढूंढने में दिक्कत नहीं हो इसलिए हम रेगुलर बेस पर सारे कंटेंट को प्लेलिस्ट में डिवाइड कर रहे हैं, टॉपिक के हिसाब से, अलग अलग बीमारियों के हिसाब से प्लेलिस्ट बने हुए हैं। जिस भी तरह का कंटेंट आपको चाहिए उसके प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, आप उसको क्लिक करेंगे वहाँ पर जाएंगे तो आपको ज़्यादा रेलेवेंट और यूजफुल कंटेंट मिलेगा, ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।